अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा बेशक सदक़ल्लाहुल अलीउल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहिर रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों, हम उम्र साथियों, आइए सबसे पहले अपने आका और मौला रहमत आलम फ़ख्र दो जहाँ काली जुल्फ़ों वाले आका, काली कमली वाले आका, मदीने के ताजदार, दो जहाँ के राजदार हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम कर अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीअना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लम सलातु व सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को बड़ी से बड़ी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, वदई दे रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है आज अपनी ये चारणाई दी धरती रे मथे बुजुर्गों रा कदम मुबारक हो रही है। कह दो सुभान अल्लाह। महाराज जी, जो आप सब रिश्तेदार हैं, हम सब रिश्तेदार हैं, और जो पीर के मुरीद हैं वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। एड़े एड़े बुजुर्गों रो आवनो और अपे ये इलाके रे में जो को सुनसान इलाको एक बार बजतो तो बरचुनी शरीफ रा बुजुर्गों रा आनो जानो बंद हो गयो और वेरे बाद में कई बरहाड़ा पड़ गया। अपने वे मोहब्बत में थोड़ी थोड़ी फर्क पड़न डुग गयो के बुजुर्गों री की रीति है की कर हलनो बहनो उठनो करनो। पर बुजुर्ग बरचुनी शरीफ रा बुरुल साईं रहमतुल्लाह अलैह ये अपनी पावन धरती मते फड़ोदी दी पाक धरती ने कर अनाप दुआ मंगी थी के ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, इसी जमात के लिए सुबह कयामत तक मेरी जमात ईमान में रहे, ये दुआ करके गए थे। सुभान अल्लाह। और उस बुजुर्गों की दुआ हूं अपने एड़ो पीर मिलियो। कह दे सुभान अल्लाह। मिलियो तो एड़ो कामिल मिलियो बुजुर्गों की दुआ आगे जा फड़ो दिया थी। बेशक हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान रहसान अपन नहीं भूलना दीजिए जिके धनी अपने इलाके में सुन्नियत ने बाकी रखी मथे एड़ी एड़े बुजुर्गों की दुआ हुई कि अजरी तारीख में अपने फड़ोदी इलाके में इंशा अल्लाह एले सुन्नत वल जमात रो बोल बालो है। सही बात है नहीं? देखो बुजुर्ग अपे दावत दो का फट कबूल कर ले साईं बादशाह आ जाए और इन साईं बादशाहों ओ को नहीं के सिर्फ आपरी सुन्नत रे वास्ते या आपरे वास्ते दौरो करिया नहीं, सिर्फ दीन रे खातर, सिर्फ और सिर्फ मदरसा रे खातर आज री तारीख में पीर साहब किबला वो महसूस करियो के मारवाड़ री धरती में बिल्कुल तालीम एकदम कमजोर होते जा रही है। अपे शिक्षा रे मामले में हंगाम ला रहा, दीन रे मामले में हंगाम ला रे रिया, तो वे टाइम रे में बुजुर्गो एक ये जगह तंजीम कायम करी और तंजीम रो नो है फैजान ने जिला एंड हाफिज मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट फलो दी। सुभान अल्लाह। बेशक मावे थोड़ा एक शाख रखी तालीम दी, एक शाख रखी और आपरी सरपरस्ती में और आईडी तंजीम है जो ये जगह इंशाल्लाह अपने इलाके रे में सिर्फ चाड़ना ही नहीं कई गौड़ और मैं मदरसा चल रहा है। कितने मदरसे चल रहे? सर्वे मोरे कन है 80 मदरसा है। अजरी तारीख में बेकम 80 मदरसा हल रहा। बात दोनों बरोबर समझ में? मैंने तकरीर को करनी, मैंने तो एक ऐसी चीज बतानी है जो अपन हमारे मौल साहब कहता था ना कि ईमान अपना मजबूत रखा, ईमान मजबूत रखना। बुजुर्ग बरचुनी शरीफ रहा पे हैं मुरीद हों इंशाल्लाह और है भी और ये बुजुर्ग और दामन अपने पकड़े तो जिला नहीं बादशाह मुरीद हो गया पे इंशाल्लाह। यकीनन पीर सब खीर,
पीरों वास्ते कदी अपर बुजुर्ग नाओ इयो नहीं कहने को करो ओ बुण है करा इंशाल्लाह। और जिके टाइम जरूरत पड़ी के तालीम वास्ते तो एक शाख रखी जो शाख फैजा ने जिला एंड हाफिज मिल्लत अजरी तारीख में 80 मदरसों ज्यादा हुजूर किबला पीर साहब की सरपरस्ती में मदरसा हजरिया। अरे कड़ो दियो लगे घर घर चौंधनो कर दियो, अरे गांव गांव चौंधनो कर दियो पीर साहब किबला बादशाह वारे साईं जिला नी बादशाह वा। मैं परचुनी शरीफ गया मरगन काफलो तो होले हतरे दोनों गई साल जाना आपन ढा होए हंगन तो उई जगह बुजुर्ग और गया तो उई जगह बुजुर्ग और कितना मदरसा चल रहा है पूरे सिंध प्रांत रा अपना मुर्शिद करीम जिको रो नौ अब्दुल खालिक साहब है वो पूरी बरचुंडी शरीफ रहे ले सुन्नत वल जमात रा सदर है। कह दो सुभान अल्लाह साईं बादशाह मुलाकात करी और मारे कने लेटर पैड आता और मेरे लेटर पैड बनाए है मुझे नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। पीर साहब किबला रहमा बात रखी साईं बादशाह फरमाए के असा जे हे सिंध में जा रहा 200 मदरसा अलंता साईं ने के मैं हार्ट मदरसा मोर बड़ोदी में हले। बादशाह फरमाए के ई पर मुंजा मदरसा आंजा साईं। बादशाह कहया के ये मदरसा मैं के हुजूर कायदे अहले सुन्नत पीर तरीकत राबर शरीयत अशा सैयद बापू गुलाम हुसैन चा जिलानी जिकोरी सरपरस्ती में फड़ोदी मेला को हल रही है। साईं बादशाह फरमाए कि लोनी शरीफ के खानदान का एहसान है मेरी जमात पर जिनको अहले सुन्नत पर अभी तक कायम रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीजों थोड़ी ध्यान में लाओ थोड़ी मोहब्बत आ चीज लाओ बुजुर्ग ओत पर रड़ा पीता मत कितना खुश साईं बादशाह जमात मत कितना खुश उनको कोई नहीं पड़ी दुनियादारी दी कोई नहीं पड़ी के अब लाओ वो ने वो आना जाना साईं बादशाह कभी फोन मत है पीर साहब किबला बात हुई और साईं ने फरमाया कि ए बापू गुलाम हुसैन जिलानी मुझी जमात की तोखे पारता ये बुजुर्गों ने पीर साहब पारत दे रिया और ऐडा बुजुर्ग जो आले रसूल और हजरत गौसे पाक पीरान पीर बादशाह पी दी औलाद कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजरी तारीख में बच्चियों है छोटी छोटी जो चहचा रही थी और बच्चियों रा मालूमाती प्रोग्राम जगह जगह मदरसा और जगह जगह बच्चियों पढ़ रही है। आज बच्चियों ने कहा नहीं थे थोड़ा प्यारा गीत गाओ तो बच्चियों गाई जी को नहीं मदनी मदीने वाले रा गीत गाना शुरू कर दे सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। अपने घरों में कैडी रीतों रिवाज वो भी खत्म हुई है इतनी तंजीमों कायम हुई है पीर साहब रो आनो जानो होयो बुजुर्गो रो ये जगह पग फिर होयो है तो इंशाल्लाह चारों तरफ अपन अमन सुकून और शांति होगी। एड़े बुजुर्गो रे आनो अपने इलाके में कितनी शांति हुई है ऐसे भी को बुजुर्ग और जिके टाइम आनो जानो शुरू होयो ने पूरो अपन इलाको जो फड़ो दिए ने कश्मीर हुयो कदे जीरो देखे तो जीरो की करोगे ठाई को तो बुजुर्गार दुआ मंगी या अल्लाह ये मारवाड़ बिलखुसूस फड़ोदी ने कश्मीर बना दे अजरी तारीख में अपनी कश्मीर होगी पानी के तो पीता था हैं और जंबेरी तलाई रो खारो जहर पानी पे गणी भाव लाता पखालो मत पानी आता था सही बात है गलत है। अन बुजुर्गो एड़ी दुआ करी के खटको लगाए पानी बारे कैरी दुआ है हकीकत में अड़े बुजुर्ग रो एहसान है मुर्शिद करीब रो आजरी तारीख में ये बुजुर्ग रे हिसाब हो इंशाअल्लाह ताला अपनी आवन वाले पीड़े भी बड़े हुख रहे क्या कि दुनिया और दीन और आखिरत री ऊपर लिए ये भलाई है इंशाअल्लाह। एक बात बड़े होने कि मुफ्ती साहब आ गया और तकदीर करनो मने अड़ो कोई हतो कोन उन मोहन साहब टाइम दीजियो तो चलो भाई आज सिर बैठे ही तंजीम नहीं आज से 20 साल पहले बालोतरा की सर जमीन पर उस धोरा धरती के इलाके में जनाजरी नमाज पढ़ा कोई मौलवी नहीं मिलतो तो एड़ी हालत में किबला पीर साहब बाट और बालोतरी खुश किस्मत और अहले सर्वत लोगों ने बेड़ा कर मालदारों ने और कह रहे थोड़े माल मत हैफ है और ये इलाके में दीन रो नाम निशान नहीं कोई मौली नमाज पढ़ा रहे वो जाड़ो नहीं वही जगह एक तंजीम कायम करी जिक्र ना रखियो सुन्नी एजुकेशनल सोसाइटी बालोतरा आज की तारीख में 150 मदरसा है 150 मदरसा निगरानी मोहरे का नहीं बुजुर्ग और दुआ ये खादिम वहाँ खिदमत कर रहा है फड़ोदी में भी इंशाल्लाह मैं खिदमत दी यहाँ अल्लाह कबूल करे सिर्फ और बुजुर्ग और नजर हुई जन में फड़ोदी आया और फड़ोदी मोहरे आनो जन में था राब तो करा दियो पीर साहब आए साईं बादशाह आज चेहरों देखो पीर साहब बादशाह अल्लाह अल्लाह रसूल याद आवे
अपनी दावत में पीर साहब आवे, अरे अपन अगर कह दे के सुजा शरीफ जाओ तो आप क्यों नहीं आओ? बोलो इंशाल्लाह जाओ। आने वाली एक तारीख ने दारुल फैज सिद्दीक सुजा शरीफ रो सालाना वार्षिक सालाना जलसो है और वे जलसे मत अपने इंशाल्लाह जमात ने हलनो। उठे जान परेशान मत हो यार, मैं मोड़ी सुजा शरीफ में गया था नोट परेशान हो गया नहीं हो गया उन फलोनो शिकायत तो नहीं करनी। मदीने पाक जिके टेम हाजी जावे नहीं और मदीने पाक रे रोजे मुबारक और मदीने री गलियां देखे नहीं तो बस एकदम हाय 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 अज आज मदीने रो नौ लो के जीरे में हूँ एकदम रूंगटा उबा हो जावे मदीना मदीना। तो आई सुजा शरीफ शाख है मदीने शरीफ री इंशाल्लाह वे मदीने वाले आकारी जा औलाद है पीराम पीर बादशाह पीर री औलाद है। तो अपन हुए जगह जान पर सबर और हिम्मतों कम करने ये नहीं जान धोर मत हो जाओ बरोबर फरमा बरोबर पैर दार उलाड़न हो जाओ मत करया। अपन इंशाल्लाह पूरी रात तकरीर होनी होनता जाया पूरे हिंदुस्तान रा मोटा मोटा उलमा है और वे जगह अपन पूरी रात बैठ जम और इंशाल्लाह तकरीर होनी है। बीजी बात नौजवान अपने यहाँ के और पूरे फलोदी इलाके उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जलसे रे वास्ते अपन पहली जान इंशाल्लाह खिदमत देनी और इलाका बढ़नवा जेकर हालात थो सोना को नहीं बढ़ बढ़नवा अब कहता नोट हो कि बढ़ के लंगो रोग और वो इलाके में एडी हालात था जिके जगह जना जो नमाज पढ़ना उनको अदन अजरी तारीख में पीर साहब किबला बादशाह की निगरानी में 150 मदरसाले सुभान अल्लाह जगह जिके जगह कोई मौलवी वगैरह नहीं है तो वो जगह बच्चे और बच्चे मौलवी हो गया सुजा शरीफ जान आ कैरी मेहरबानी है बुजुर्गोरी एक बात बड़े बधाई दे दो एक और एडी बधाई जी हो रो जा पीर साहब बादशाह नजर फरमाई मौको तो फड़ो दी रो तो पर साईं बादशाह इलाको देखियो का ओ इला तो इतो लारे लियो और जिक्र हद नहीं तो अजर तारीख में अल जामेतुल मेमुना यानी एक बच्ची और मदरसो पीर साहब खोल दिया जो अपने पूरी मारवाड़ में अड़ो है ही नहीं नहीं हुए मदरसे मुकाबले में पे देख सको का पर राजस्थान में अड़ो मुश्किल मदरसो है जो बरोबर 500 बच्चियों री पढ़ने की क्षमता रखे तो सुभान अल्लाह तकरीबन 13 करोड़ री लागत वो तैयार हो रही हो बेशक ओ पया कौन दे गए मौला पाक दे मुर्शिद जाने मुर्शिद रा कम जाने इंशाल्लाह आज एक मंजिल तैयार हो गई है एड़ा एड़ा तीन हो एक तो स्कूल है एक हॉस्टल है और एक बच्ची और मदरसा जिकम एक बिल्डिंग 45 45 45 कमरों की तैयार होगी और दूसरी बिल्डिंग इंशाल्लाह शुरू हो जाए अन करीब एड़े एड़े वास्ते अगर थोड़े कने कोई आवाज आ जाए ए फलोदी के धरती के मुसलमानों आज तुम्हारी दौलत को हमारे उस मदरसे के अंदर जरूरत पड़ रही तो आप इंशाल्लाह जी जानो कुर्बानी दे दिया और पीता बादशाह हाथ जोड़ पूरी जमात अर्ज है कि साईं बादशाह ने कहा मोरे इलाके में ये गढ़ो मदरसो खोलो इंशाअल्लाह ताला बच्चियों की तालीम आ गया हो है एक बच्ची पढ़न वाली बेओ घरों रो नूर एक बच्ची अगर इलम पढ़ जावे बेओ घरों रो नूर एक तो अपर हार जाए तो वो थी कलाम पाक पढ़िया और आपरी हिफाजत कार्य हुकूक नमाज वगैरह वो ये और दूसरे में माइतों के लिए भी घर में नूर है सही बात है गलत है इंशाल्लाह अच्छा ठीक तो अंत तो कहना इंशाल्लाह सुजा शरीफ अपन एक तारीख रो दो भेड़ी हो जमात जहा इंशाल्लाह हैंग जमात में पिज्जा भी तरफ आप लोगों ने दावत दे रही हूँ दावत कबूल करिया और आया इंशा अल्लाह ईमान में मजबूत रहनो अल्लाह तबारक व ताला हमें और तुम्हें नेक और अच्छी तौफीक अता फरमाए ताकि एड़ा मजलिसों में आता जाता रहो और बुजुर्गों अच्छो रबत रखो क्यामत दिन भी इंशाल्लाह ये बुजुर्ग और हाथे रहो दुनिया में जिके आदमी जिके वो मोहब्बत करी क्यामत में दिन उगर भेड़ो हो है तो इंशाल्लाह यकीन है कि एड़े पीरों में अगर आप सच्ची मोहब्बत रखी तो इंशाल्लाह ताला ये जमात रे भेड़ा क्यामत में भी इंशाल्लाह ये जमात रे भेड़ा हो वमा अलैना इल्लल बलागह सलाम अलैकुम।